हेलो गाइज, मेरा नाम विभू और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एन कैप का जो टेस्ट हुआ है मारुति स्विफ्ट का 2021 के अंदर, उसके अंदर कार के अंदर कितनी सेफ्टी पाई गई है और क्या कुछ निकल कर सामने आया है। तो ये एक लेटिन एन कैप टेस्ट है इस गाड़ी का 2021 स्विफ्ट, इंडियन प्लस जापान मेड है ये कार। तो इसका जो एन कैप टेस्ट निकल के आया है वो 0 स्टार सेफ्टी रेटिंग है। आप भी चौंक जाएंगे सुन के, 0 स्टार सेफ्टी रेटिंग ये कार निकल कर आई है, जो कि बिल्कुल कम हो जाता है। कोई भी सेफ्टी आपको इस कार के अंदर नहीं मिलती है। इसका मतलब ये एयरबैग वाला मॉडल था, इसके अंदर एयरबैग भी थे, टॉप मॉडल था, यानी कि ये ZXi जो आपका होता है वो मॉडल था ये, पर फिर भी इस कार के अंदर आपको 0 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इस एन कैप टेस्ट के बाद काफ़ी सारे जो कस्टमर है मारुति के, जो ओनर है स्विफ्ट के, वो सब भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होने वाले हैं, क्योंकि इतनी कम सेफ्टी मिलती है। अगर वो एक नॉर्मल VXi या LXi 6.5-7 लाख रुपये वो दे रहे हैं कार को ख़रीदने के बाद, तो फिर भी उन्हें कुछ भी सेफ्टी नहीं मिल रही है। वहीं अगर टाटा को देखेंगे तो आपको टाटा के टियागो, उनकी एक एंट्री लेवल कार है, उसका बेस मॉडल भी अगर ले गए तो आपको 5,56,000 का ऑन रोड मिल जाता है वो, तो उस कम से कम 1 लाख का डिफरेंस है, तब भी उस गाड़ी के अंदर आपको 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलती है इन कैप के अंदर। तो मारुति का तो मतलब सेफ्टी के हिसाब से कुछ मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग लाती तब भी कुछ हो जाता, पर यहाँ तो 0 स्टार सेफ्टी रेटिंग ये कार लेकर आई है। तो काफ़ी सारे लोग घबरा जाएगी जो इस कस्टमर है स्विफ्ट के पहले से ऑलरेडी, तो उन्हें तो लगेगा कि ये वो एक अनसेफ कार के अंदर चल रही है। तो गाइज मैं बताना चाहूँगा, ये जापान प्लस इंडियन वेरिएंट है। अभी बिल्कुल जो प्योर इंडियन वेरिएंट होगा उसका जो क्रैश टेस्ट होगा उसमें देखना होगा कितने स्टार सेफ्टी रेटिंग लाती है ये मारुति स्विफ्ट 2021 वेरिएंट। फेसलिफ्ट आया था इस कार का, ये उस वही वाला मॉडल है जो फेसलिफ्ट आया था स्विफ्ट का 2021 में। देख सकते हैं साइड इंपैक्ट वगैरह से डोर बिल्कुल अंदर चले गए हैं कार के। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस कार की साइड से इंपैक्ट दिया गया है और 64 की स्पीड से फ्रंट से। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि कार के अंदर इंजन काफ़ी अच्छा है, तो भाई इंजन तो अच्छा मिलेगा ही आपको, क्योंकि 4 सिलेंडर तो है, ऊपर से कार के अंदर बिल्कुल भी वेट नहीं है, बहुत ज़्यादा हल्की कार है, तो इंजन तो आपको पंची मिलने वाला ही है इसका, क्योंकि कार के ऊपर बिल्कुल भी लोड नहीं है, बहुत हल्की कार है ये। अगर आप कंपेरिजन करेंगे इसके राइवल टाटा की किसी भी कार से, एल्ट्रोस से या टियागो से, तो आपको बहुत ही कम और बेकार सेफ्टी देखने के लिए मिली है मारुति स्विफ्ट के अंदर। वहीं अगर देखें तो इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा जो कार्स में ध्यान रखा जा रहा है वो उस कार की सेफ्टी का रखा जा रहा है। कोई गाड़ी 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग है तो कोई 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल रही है आपको बजट के अंदर ही। वहीं आप देख सकते हैं मारुति बिल्कुल अपनी सेफ्टी पर ध्यान नहीं दे रहा है। मारुति को भी अपनी सेफ्टी पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो कुछ टाइम बाद मारुति कार्स भी कम बिकनी स्टार्ट हो जाएगी। काफ़ी सारे लोग इसलिए भी लेते हैं मारुति की कार, जो उनका एक पर्पस होता है माइलेज अच्छा देती है, माइलेज अच्छा देगी पर सेफ्टी तो नहीं प्रोवाइड करवा पाएगी आपको ये। तो वीडियो में आप देख पा रहे हो कि बोनट वगैरह पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स फेंके जा रहे हैं जिनसे गाड़ी का बोनट जो है, बम्पर जो है, बिल्कुल दब रहा है नीचे की तरफ, तो इसी चीज़ से आपको सेफ्टी का भी पता लग जाता है कार के अंदर। तो आज की वीडियो में बस गाइज यही था, एक छोटा सा एन कैप टेस्ट दिखाना था मुझे आपको मारुति स्विफ्ट का। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, क्योंकि आपको मैं जो लेटेस्ट एन कैप टेस्ट होगा मारुति स्विफ्ट का इंडियन वेरिएंट का वो भी इस चैनल पर दिखाने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।